नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी है फिएट अवेंचुरा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी को स्कैन कैसे करते हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्हें थोड़ी दिक्कत होती है फिएट की गाड़ियाँ स्कैन करने में, जब वो लॉन्च का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इस गाड़ी को डायग्जोन सॉफ्टवेयर से स्कैन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। ये थोड़ा कैमरा का इशू है, जो लाइट्स आपको ब्लिंकिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये लाइट एक्चुअली ब्लिंक हो नहीं रही हैं। और यहाँ पर ये एयरबैग फेलियर लिख के आ रहा है, इस गाड़ी में एयरबैग का कोई इशू है, शायद कोई इशू है कैमरे में। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों स्कैन करते हैं इस गाड़ी को, यहाँ आप देख सकते हैं। हमें जाना है इसमें फिएट में, यहाँ से ओके करेंगे। कोई सुनिए, अगर इस टाइप का आपको मैसेज मिलता है तो यहाँ से यस करें और इसे दोबारा से स्कैन करें फिएट। ओके, तो दोस्तों जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको टोटल चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिकली सर्च, मैन्युअली सिलेक्ट, हेल्प इन्फॉर्मेशन और लास्ट का होगा ADAS कैलिब्रेशन। तो यहाँ पर अगर आप ऑटोमेटिकली सर्च में जाएंगे, जैसे मैं करता हूँ ऑटोमेटिकली सर्च, और वेदर यू वांट टू रीड बिन ऑटोमेटिकली, यहाँ से मैं यस करता हूँ, तो ये बिन नंबर रीड नहीं करता है। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये बिन नंबर रीड नहीं करेगा। इस गाड़ी में एयरबैग का इशू है तो वही हमें चेक करना है। ये थोड़ी अजीब बात है, कैमरे को जब मैं लगा रहा हूँ तो लाइट सारी ब्लिंक कर रही हैं, और जब मैं कैमरे को, मैं आपको एक इसमें कोई एक अजीब समस्या है इस क्लस्टर के साथ। इसमें आप देख सकते हैं इसमें लाइट काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक कर रही है और इसके अंदर थोड़ा स्लो कर रहा है, तो कोई शायद कुछ ना कुछ है इसके अंदर जिसकी वजह से कैमरे के अंदर ये लाइट ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेल टू रीड बिन, इसने बिन नंबर रीड नहीं किया। तो यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ, इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ और हमें जाना होगा यहाँ से मैन्युअली सिलेक्ट में। मैन्युअली सिलेक्ट में आपको टोटल 5 ऑप्शंस मिलेंगे, फिएट, लेंसिया, अवार्थ, अल्फा रोमियो, फिएट। तो आपको फिएट में जाना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सिलेक्ट करना है लीनिया, क्योंकि ये जो गाड़ी अवेंचुरा है ये आपको नहीं मिलने वाली है, आपको लीनिया में जाना है। टोटल आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन। तो आपको जाना है सिस्टम सिलेक्शन में और यहाँ से आपको 1.4 सेलेक्ट करना है और मुझे एयरबैग स्कैन करना है। तो हम लोग जाएंगे नंबर 1 में और बाकी के इसमें जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, भले वो आपका BCM हो, क्लस्टर हो, बॉस हो, बॉस पार्किंग कंट्रोल यूनिट या आपका ECM, सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो मैं स्कैन करता हूँ इसका एयरबैग, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने फिएट ड्राइंग नंबर दिखा रहा है, हार्डवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन, इसका प्रोग्रामिंग डेट, सारी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ से मैं ओके प्रेस करता हूँ और जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको अगेन 5 ऑप्शंस मिल जाए और उसके बाद मैं करता हूँ रीड फॉल्ट कोड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है B100B, ड्राइवर्स प्री टेंशनर रेजिस्टेंट। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है आपका सीट बेल्ट का, इसका जो सीट बेल्ट है ये ठीक नहीं है, इसके अंदर सेंसर लगा होता है, उसी की वजह से गाड़ी के अंदर ये एयरबैग की लाइट आ रही है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, जो कैमरे के थ्रू जब हम इसका क्लस्टर देख रहे हैं जो लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, तो कमेंट करके आप बताना इसमें क्या हो सकता है। गाड़ी में लाइट एक्चुअली ब्लिंक नहीं कर रही है लेकिन जब मैं कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ तो ये लाइट ब्लिंकिंग कर रही है, कमेंट करके बताना ये क्या प्रॉब्लम है।
तो दोस्तों इस गाड़ी में सीट बेल्ट की समस्या है, बाकी की गाड़ी ओके है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं, स्पेशली फिएट को। फिएट की जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हैं ना, वो भले ही आपकी पुंटो हो या आपका लीनिया हो, उसका प्रोसेस यही है। ऑटोमेटिकली आप उन्हें स्कैन नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली ये बिन नंबर उसका रीड नहीं करता है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से सॉफ्टवेयर के थ्रू इस गाड़ी को स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।